ओम शांति। मेरा शरीर का नाम हरिश्चंद्र। मैं बेसिकली यहाँ सोलन और सोलन के साथ का एक गांव धारू की धार का रहने वाला हूँ। शिक्षा मेरी यहाँ सोलन से ही हुई है और मेरी आयु भी इस टाइम 82 वर्ष है। पेशे से मैं किसान भी हूँ और इस टाइम समाज सेवा में भी हूँ और ईश्वरीय सेवा में भी हूँ। अपना जीवन अपने खुशी का जीवन, मेरा सारा जीवन जो है खुशियों से भरा, संपन्नता से भरा हुआ रहा, क्योंकि मेरा शरीर का और बुद्धि का बड़ा सेंसिटिव सिस्टम रहा है। अपनी कमजोरियों को मैं बचपन से, मैं कहीं गलत रास्ते पर चलता था तो फट रियलाइज़ करता था कि मेरे अंदर कुछ कमजोरी चल रही है, इसका कारण क्या है। मैं स्वयं से पूछता रहता था। मेरा शरीर का भी इसी तरह से, शरीर इतना बचपन से निरोगी तो नहीं था पर कुछ विकारों में चलने से वो महसूस करता था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ और मुझे ये तुरंत छोड़ना चाहिए। तो इस तरह से मेरी अंदर से इजाज़त होती थी कि तुम पुरुषार्थ करो और इसको वायदा करो और छोड़ो। तो बुराइयों को भी मैंने ज्ञान में चलने से पहले ही छोड़ दिया था। इस टाइम ज्ञान में चलने का मेरा 17वां साल बीत चुका है। 2005 में मैं ज्ञान में आया था और ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के माध्यम से मुझे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाने का सौभाग्य माउंट आबू में मिला। डायरेक्ट ज्ञान माउंट आबू से मिला है। पहले मैंने ब्रह्मा कुमारी के बारे में सिर्फ इतना ही जानता था कि ये कोई श्रेष्ठ आत्माएं हैं, देवात्माएं हैं जो यहाँ इस तरह का ये कार्य कर रही हैं। बाकी और कोई ज्ञान के बारे में इतना नॉलेज नहीं थी। मुझे अपने जीवन में एक और पॉजिटिव वो रहा है मेरा कि मुझे अच्छाई पर चलने का सौभाग्य मिलता रहा, अपने से बड़ों का संग मिलता रहा जिनके द्वारा मैं प्रेरणाएं लेता था अपने जीवन के लिए, तो ये सौभाग्य मुझे मिलता रहता। तो ये ईश्वरी विश्वविद्यालय में आने से मैंने अपने से छोटों से प्रेरणाएं ली, जो मेरे से अनुज मेरे छोटे थे और वो इस ज्ञान में चलते थे, उनसे मैंने प्रेरणाएं ली कि नहीं, ये भी कुछ महान कार्य करने वाली आत्माएँ हैं और मैं इनसे कुछ प्रेरणा लेता रहा। तो सबसे पहले मैं एक भजन सुना दूं जो बाबा की मुरली से, और उसके एक एक शब्द मेरे जीवन में बचपन से लेकर उतरते रहे और मैं गाता भी था, स्कूल टाइम में भी गाता था और कई दफ़ा बड़े उत्सव पर भी मैंने वो गाने गाए और वो मधुबन में भी मुझे मौका मिला था, मैं मधुबन में भी इसको गाना गाया था। आज भी मैं वही आपको समक्ष बाबा की मुरली का गाना, मैं जब ज्ञान में आया तो उसको मैंने पढ़ा और जब सुना कि बाबा की मुरली का गाना, मैं क्या अहो भाग्य, ये तो मेरे बचपन में से ही मेरे संग में चला है और वो फिल्मी संगीत है और उसकी शूटिंग भी सोलन में हुई है, इस गाने की रिकॉर्डिंग भी सोलन में शूट हुई है। तो मैं ये गाना, आने वाले कल की तुम तकदीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर दुनिया की तस्वीर हो, आने वाले कल की तुम तकदीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर दुनिया की तस्वीर हो।
तुम हो किसी कुटिया के दीपक जग में उजाला कर दोगे, तुम हो किसी कुटिया के दीपक जग में उजाला कर दोगे, भोली भाली मुस्कानों से सबकी झोली भर दोगे, भोली भाली मुस्कानों से सबकी झोली भर दोगे। चलते हुए जमाने में तुम चलता हुआ एक तीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर दुनिया की तस्वीर हो, आने वाले कल की तुम तकदीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर दुनिया की तस्वीर हो। नाम न लेना रोने का रोतों को हंसाने आए हो, नाम न लेना रोने का रोतों को हंसाने आए हो, नहीं रूठना कभी किसी से रूठे को मनाने आए हो। रूठी हुई तकदीर बदल दे ऐसी तुम तदवीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर दुनिया की तस्वीर हो, आने वाले कल की तुम तकदीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर दुनिया की तस्वीर हो। जमी आसमां चांद सितारे सभी तुम्हारे हाथों में, जमी आसमां चांद सितारे सभी तुम्हारे हाथों में, एक दिन होगी बागडोर भारत की तुम्हारे हाथों में, एक दिन होगी बागडोर भारत की तुम्हारे हाथों में, तोड़ सके ना दुश्मन जिसको ऐसी तुम जंजीर हो, तोड़ सके ना दुश्मन जिसको ऐसी तुम जंजीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर दुनिया की तस्वीर हो, आने वाले कल की तुम तकदीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर दुनिया की तस्वीर हो। तो ये गाना जो था मेरे जीवन में एक एक शब्द इसका सार्थक उतरता रहा और मैं इस गाने को अपनाए हुए बचपन से रहा। कभी जीवन में मैंने यही देखा कि अब बाबा की मुरली में पढ़ता हूँ कि खुशी ना जाए, तो ये भाई जी ने अच्छी सेवाएं दी मुझे, वीआईपी की सेवा करने का सौभाग्य इन लोगों ने इसके माध्यम से मुझे मिला, तो बहुत सारे वीआईपी ऑफिसर लोगों की सेवाएं करने का भी सौभाग्य मिला, मधुबन भी पहुंचाया, ग्रुप को भी पहुंचाया, और मैं मतलब हर तरह से एक तरह से संपन्न बना अपने आप में। और अब भी मैं अभी स्कूलों में जाता हूं, कहीं भी जाता हूं, मतलब तो मुझे बड़ा ऊंचा वो मान देते हैं लोग, और ओम शांति की लहर जो है गाँव-गाँव में भी पहुँच चुकी है। तो अब अपने जहाँ तक मैं जाता हूँ मैं सबके साथ पॉजिटिव वो संबंध रखता हूँ, सबको वाइब्रेशन अच्छे देता हूँ, और यही कहता हूँ कि ब्रह्मा कुमारी रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, आप इसके साथ जुड़ें और आपका ये आपका जो भी होगा वो बेहतर होगा, समाज भी बेहतर बनेगा, हम भी बेहतर बनेंगे और सारा विश्व भी बेहतर बनेगा। इसी के साथ मैं अपने आप को ओम शांति।